हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे जो कि आईपीओ 6 से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आपसे इस तरीके से ना पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन को करें। और ये जो क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ में भी ये लिंक जो है अवेलेबल है। अगर आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, इसकी कीमत सिर्फ 30 रुपीज पर मंथ है, तो यहाँ पे ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगी। आपको एग्जाम नोट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर में मिल जाएंगे। आपको 100 असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, वो चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सारे के सारे सॉल्व आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ऑन डिमांड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इग्नू की अपडेट्स वगैरह जो है वो भी सारी चीजें जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इसका वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो उस ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ओवरऑल अगर इसको समझने की कोशिश करें यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम को, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरह का सिस्टम है जो कि सिर्फ यूरोप में लागू होता है, ये किसी और कंट्री में नहीं चलता। ठीक है ना, आप एक तरह से इसको रीजनल कोऑपरेशन का एक मूवमेंट आप बता सकते हो, एक सिस्टम बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो यूरोप है वहां पे टोटल 28 उससे ज्यादा कंट्रीज है, बट 28 कंट्रीज मिल करके वहां पे यूरो को जो है उन लोगों ने एक वैधता दे करके रखी है कि जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग यूरो में ट्रेड कर सकते हैं। एक कॉमन करेंसी वहां पे जो है यूरो है। हालांकि हर कंट्री का वहां पे अपना अपना करेंसी भी है, लेकिन साथ ही साथ यूरो एक सेंट्रल करेंसी है। जब वहां पे ट्रेड होता है किसी तरह का, तो उस चीज में होता है। अब देखो, जब भी कोई सिस्टम तैयार किया जाता है तो उसको कोप करना होता है डिफरेंट जो करेंसीज है उनके साथ। आपको पता है कि जब हम कोई चीज सेल करते हैं या परचेस कर सकते हैं करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि डॉलर को एक स्टैंडर्ड मनी जो है माना गया है, एक स्टैंडर्ड करेंसी माना गया है। उसी तरीके से यूरोप के रीजन में, पूरे के पूरे रीजन में आप कह सकते हो, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, खासकर उन सारे देशों की बात कर रहा हूँ, वो लोग करेंसी के तौर पे यूरो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और जो इंटर जो रीजन ट्रेड होता है या फिर इंटर कंट्री जो ट्रेड होता है, वहां पे भी इस चीज का इस्तेमाल होता है। तो मॉनेटरी सिस्टम एक तरह का सिस्टम उन लोगों ने क्रिएट करके रखा है अपने रीजन को, एक तरीके से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वहां जो चीजें हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ठीक तरीके से फल फूल सके, है ना। तो ये एक सिस्टम उन लोगों ने रेडी करके रखा हुआ, इस सिस्टम यही होता है। एंड आपको पता है कि हमारे इंडिया में रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं। तो दोनों में जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये जो करेंसी एक्सचेंज वगैरह होता है, ये सारा का सारा चीज जो है एक सिस्टम के अंतर्गत होता है। आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, राइट? यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम भी उसी तरह का है, जहाँ पे वो सारी की सारी चीजें जो है सिस्टम पूरा तैयार किया गया है कि करेंसी का एक्सचेंज कैसे होगा, क्या करना है, नहीं करना है। वो खुद को एज ए कंबाइन रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस लेक्चर में, चलिए फिर देखते हैं। सो द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम PMS वाज एन अरेंजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1979 बाय द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है ना। अभी यूरोपियन यूनियन के नाम से है, उस टाइम पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आप बोल सकते हो, उस नाम से था। और 1979 में इस सिस्टम को जो है तैयार किया गया था, विच एम टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट एंड फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स पार्टिसिपेंट। जैसा कि मैंने बताया, इसको किस लिए रेडी, इसको क्या उद्देश्य क्या था इसको तैयार करने का, ताकि वो स्टेबिलिटी ला सके एक्सचेंज रेट्स में। जब आप पैसों को एक्सचेंज करते हो डॉलर के मुकाबले रुपी को, पाउंड के मुकाबले डॉलर को, है ना, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए, और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वहां के पार्ट जो भी मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में लाने के लिए EMS को स्टार्ट किया गया था। तो EMS वाज़ ए प्रीकर्सर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन को स्टार्ट करने के पहले एक तरह से आप बोल सकते हो कि EMS ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब EMS को एक साथ लाया गया, तो EMS के कारण यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी आप सुन रहे हो, ये आगे जाकर के फिर यूरोपियन यूनियन में बदल जाता है। एंड दस द अडॉप्शन ऑफ द यूरो करेंसी, और आगे जाकर के यूरो को एज ए सेंट्रलाइज्ड करेंसी जो है उन लोगों ने उसकी मान्यता उसको दे दी। द मेन फीचर्स ऑफ द EMS वेयर एज फॉलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, तो परेशान नहीं होना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी को आपने लिख देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन वहां पे ब्लैंक छोड़ करके नहीं आना। क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे, क्वेश्चन एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ओके, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भले ही आपका आंसर थोड़े बहुत आते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ओके, नाउ
एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम में कि जो आप एक्सचेंज रेट करोगे उसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट में जो है हमेशा बदलाव होते रहता है, हर सेकंड हर मिनट बदलाव होते रहता है। अभी कोई चीज अगर $1 में ₹70 है तो वही कुछ कुछ मिनट बाद ₹70, 25 पैसे, 30 पैसे, 80 पैसे हो जाएंगे। हालांकि अभी ₹70 नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, अभी तकरीबन 83-84 रुपए के आसपास होगा $1 में। तो ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री में, उसके इंटरनेशनल ट्रेड में खासकर बहुत जरूरी होता है। सो द ERM वॉज काउंटर पीस ऑफ EMS एंड एम टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स अमंग द पार्टिसिपेंट करेंसीज। देखो ERM एक तरीके से सेंटर पीस है EMS का, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो है इसका सेंटर पीस क्या है, ERM है। जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो है, क्योंकि बगैर इसके कोई भी कंट्री का सिस्टम जो है वो चल ही नहीं सकता, है ना। और इसका मेन एम क्या है, स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स, मैं इसको सेलेक्ट करता हुआ चलता हूँ, स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स अमंग द पार्टिसिपेंट कंट्री करेंसी। जो भी पार्टिसिपेंट करेंसी है, आपको पता है कि यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है हर एक कंट्री की, है ना। पाउंड स्टर्लिंग चलता है, यूरो चलता है, उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट कहीं कहीं पे डॉलर भी है ना, मतलब उस कंट्री का डॉलर है। तो इस तरीके से वहाँ पे सारी चीजें जो है चल रही है, लातविया में रीगा चलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी हो। तो इन सब की जो जितने भी सारे पार्टिसिपेंट करेंसीज हैं उनके बीच में एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो ERM मैकेनिज्म जो है वो करता है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो है वो करता है। ईच कंट्री हैड अ सेंट्रल एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूरोपियन करेंसी यूनिट, है ना। वो क्या है, वो यूरो है। हर एक करेंसी का अपना एक सेंट्रल एक्सचेंज रेट है जो कि ECU के अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट मतलब उसको कंपेयर करने के लिए, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ नहीं, कंपेयर करने के लिए उस चीज का इस्तेमाल होता है। विच वॉज अ बास्केट ऑफ करेंसीज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो ये क्या है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसको एज अ रेफरेंस पॉइंट वो लोग यूज करते हैं। मेंबर करेंसीज एग्रीड टू कीप अप देयर एक्सचेंज रेट्स विद इन द प्री डिटरमाइंड फ्लक्चुएशन मार्जिन, टिपिकली +2 और -2.25 फ्रॉम द सेंट्रल रेट। जो भी सेंट्रल रेट होगा उसका, उसके कंपैरिजन में जो बाकी सारी करेंसीज है उसका जो मार्जिन होगा ऊपर नीचे होने का, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस में 2.25% ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंस है वो 100% का हो गया, वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर ₹100 है किसी करेंसी की वैल्यू, अगर ₹100 है तो दूसरे करेंसी की वैल्यू उससे ₹102.25 ज्यादा होगी या तो कम होगी, है ना, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ₹102.25 मतलब वो ₹2.25 मतलब वो फिक्स है। मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ, मैं समझाने के लिए रुपए रुपए बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे परसेंटेज है और वो करेंसी का परसेंटेज है, जो भी करेंसी का उस टाइम पे सेंट्रल रेट होगा उसके का कंपेरिजन में। नाउ एक्सचेंज रेट कोऑपरेशन की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर कोऑपरेशन के तो आप मैकेनिज्म कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज साथ में मिल करके अपने करेंसीज को उन लोगों ने एग्री किया है कि ये हम करने वाले हैं। जैसे इंडिया में भी रीजनल कोऑपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, हाल में जो बिम्स्टेक स्टार्ट किया गया, उसके बाद से हम लोगों ने इंडियन करेंसी को भी एक तरीके से एक वैल्यू माना है जिसके जरिए हम ट्रेड कर सकते हैं। जब इंडिया और सऊदी अरेबियन कंट्रीज या फिर बिम्स्टेक के बीच में जब भी कोई ट्रेड हो रहा है तो इंडिया अपनी करेंसी में पे कर रहा है, फिर जब वो लोग इंडिया से कुछ खरीद रहे हैं तो उसी करेंसी को वो लोग वापस कर दे रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो अपनी अपनी करेंसी में हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो डॉलर का जो वैल्यू है, जो उसका जो जो एक पूरा अपनी डोमिनेंट जोन का एक पूरा बना हुआ एरिया बना हुआ, उसको वो लोग जो है खाली कर पा रहे हैं, उसको वो लोग उसकी वैल्यू को वो लोग गिरा पा रहे हैं, है ना। एक्सचेंज रेट कोऑपरेशन, सो मेंबर कंट्रीज कमिटेड टू इंटरवीनिंग इन एक्सचेंज रेट मार्केट टू मेंटेन देयर करेंसी एक्सचेंजेस एक्सचेंज रेट्स विद इन द एग्रीड फ्लक्चुएशन मार्जिन, और वो क्या है 2.25। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सबने ये कमिट किया है, इंटरवीन किया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। कैसे इंटरवीन किया है, वो लोग कभी भी फ्लक्चुएशन को +2, +2.5 या -2.5 से आगे पीछे नहीं जाने देते हैं, वो लोग उसी उतना ही बना करके रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स वुड बाय और सेल करेंसी टू इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू एंड ब्रिंग इट बैक विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। तो जो काम हमारे यहाँ पे RBI करती है वही काम वहाँ पे जो है, वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है, EU का जो सेंट्रल बैंक है वो भी वहाँ पे वही करता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, चीजों का प्राइस बढ़ेगा, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट करती है कि वो लोग बैंक में जो पैसे जमा किए जाते हैं उसके ऊपर रेट इंटरेस्ट रेट वो लोग बढ़ा देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो हम खर्च करने के बजाय क्या करेंगे, उसको हम बैंक में जमा कर देंगे क्योंकि वहां से हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। और अगर बैंक में जमा कर देंगे तो पैसे खर्च करने के लिए आपके पास रहे नहीं, तो जो मार्केट में चीजों का जो दाम बढ़ रहा था वो ऑटोमेटिक घटने लगेगा।
तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि आरबीआई अप्लाई करती है, सेम चीज वहां पे भी जो है वो हो रहा है। वही वहां पे बोला गया है कि वो करेंसी को बाय और सेल एक तरीके से, उस तरीके से नहीं, बाय और सेल हालांकि वो भी है, एक है कि बाय और सेल किया जाता है, बट यहाँ पे जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है वो आरबीआई वाला ही है कि हम पैसे को मार्केट में कितना छोड़ेंगे, कितना रखेंगे, कितना हम इनफ्लो इंफ्यूज करेंगे मार्केट में पैसा ताकि स्टेबल बना रहे, और कितना हम मार्केट से विदड्रॉ करेंगे, वो चीज यहाँ पे करेंसी के रूप में हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तीसरा पॉइंट है यूरोपियन मॉनेटरी कोऑपरेशन फंड। तो ये एक तरह का फंड है आप बोल सकते हो, जहाँ पे सारी मेंबर कंट्रीज जो है अपने अपने यू नो करेंसी को रखती है फॉर डिफिकल्टी, किस तरह का कोई यू नो खतरनाक सिचुएशन आ गया किसी कंट्री में, अगर यू नो क्या कहते हैं उसको रिसेशन अगर आ जाता है, अगर दिक्कत हो जाती है वहाँ की करेंसी की वैल्यू अगर गिर जाती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पे एक फंड बनाया गया है। आपने ग्रीस का नाम सुना होगा, एथेंस का भी हाल ही में वहाँ पे बैंकक्रप्ट हो गए थे वो लोग, तो यहाँ से इसी फंड से वहाँ से जो है पैसे वगैरह जो है उनको दिए गए ताकि उनकी इकोनॉमी को वापस स्टैब्लिश किया जा सके। सो इट्स अ काइंड ऑफ फंड विच इज यूज इन अ कंटिजेंट सिचुएशन, लाइक कोई डिफिकल्ट सिचुएशन वहां पे वो चीज होती है। तो देखो इसको पढ़ लो, द ईएमसीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अब आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ा सा मैं हटके बता रहा हूँ बट सुनो इसको, समझने की कोशिश करो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजें होती हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है चीजों को मंगवाना आपकी कंट्री में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अपने कंट्री से बाहर भेजते हो। तो जब आप बाहर भेजोगे बेचोगे तो पैसे आपके पास आएंगे, जब आप मंगवाओगे तो आपके पैसे जाएंगे। तो क्या लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन होता है वो आपके लिए नेगेटिव तब होता है जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। मतलब आपने 100 रुपए का सामान बेचा लेकिन आपने 150 रुपए का सामान मंगवा लिया, तो 50 रुपए तो आपके ड्यू हो गए ना, 50 रुपए आपको बाहर पे करने हैं, पर आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए क्योंकि आपने सामान सिर्फ 100 ही रुपए का बेचा था। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ईएमसीएफ फंड है यहाँ से आपको पैसे देकर के हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्री में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको फिर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो वो चीज करवा करके यू नो एक तरीके से हेल्प कराने की कोशिश जो है की जाती है। इट एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ लिक्विडिटी फॉर कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करने के कारण ही ये दिक्कत होती है। इसलिए ऊपर में हम लोगों ने ERM पढ़ा, वो यू नो एक्सचेंज रेट कोऑपरेशन पढ़ा, तो ये सारी चीजें बहुत ही यू नो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत ही रेलिवेंट है, सबके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ईएमसीएफ का फंड, ईएमसीएफ जो है जो फंड है इसका इस्तेमाल उसी चीज के लिए हो जाता है ताकि एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी है उसको बनाया रखा जा सके, किसी भी कंट्री को उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू हो रहा है तो उसको सॉल्व किया जा सके, इन सब चीजों के कारण इसका यूज होता है। अगला है यूरोपियन करेंसी यूनिट, ये यूरो है, अब मैंने पहले ही आपको बताया। So ECU was composite currency used as a unit of account within the EMS. तो ECU क्या है, composite currency होता है, यहाँ पे सारी currencies का you know मिलावट होता है आप बोल सकते हो, जमावड़ा होता है, और जिसका इस्तेमाल जो है within the EMS किया जाता है, European Monetary System के अंतर्गत ही किया जाएगा और कहीं नहीं चलेगा, है ना। It was based on a weighted average of a percentage currency and served as a benchmark of exchange rate, है ना। तो ये एक तरीके से वेटेज एवरेज आप बोल सकते हो, सारी करेंसीज का मिलाकर के एक एवरेज होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं इन द केस ऑफ एक्सचेंज रेट, ओके। तो ये थोड़ा डीप हो गया, थोड़ा डीप इसमें घुसना पड़ेगा, उतना समय भी नहीं है मेरे पास, बट आप इसको इसी तरीके से समझो कि जब कोई कंट्री एक्सचेंज रेट में जब उनको प्रॉब्लम होने लगती है तो वो इसी के साथ कंपेयर करते हैं, जो उनका यूनिट है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और उसका एवरेज बना करके फिर जो है उसके साथ कंपेयर करके वो अपने जो भी यू नो उनकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो बाय करना हो सेल करना हो, उसको फिर वो लोग प्रोसीड कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोपियन करेंसी यूनिट। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, और वो यूनिट यूरो है, यूरो का इस्तेमाल जो है सारी कंट्रीज वहां पे मिल करके करती है। द ईएमएस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज, है ना। तो ईएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो पूरे का पूरा रीजन है यूरोपियन यूनियन का, उसमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। इट लेड द फाउंडेशन फॉर क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यू नो यूनिट within the EU, which ultimately led to the introduction of the euro as a common currency in 1999. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो economic currency unit है, इसको जाकर के बाद में euro बनाया गया, और euro को ही ध्यान में रख करके वो लोग जो है सारी की सारी अपनी activities वगैरह जो है करते हैं, और euro currency introduce कब होती है 1999 में। तो ये एक GK का question आप बोल सकते हो, इसको याद रखना है, जब भी आप इस question को लिखेंगे तो इस point को भी आप लिखें ताकि सर जो check करेंगे उनको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि आपके पास knowledge है, okay. Now, it is important to note that EMS cases ceases to exist as a separate entity with the introduction of the euro. है ना? तो जब यूरो का यूज होने लगा, जब यूरो को लाया गया, तो एक तरीके से ईएमएस जो है उसका एग्जिस्टेंस एक तरीके से खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता,
एग्जिस्ट करता है स्टिल, वो सिस्टम एक है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस था, जो उसकी वैल्यू थी पहले, वो धीरे धीरे घट गई क्योंकि यूरो को एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी जो है मान लिया गया, है ना। देखो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन जब आपको सॉफ्टवेयर, आपका एक पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर जब आपका बन जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका ऑटोमेट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना पड़ता। उसी तरीके से जब यूरो यूरो को लॉन्च किया गया, तो सारी चीजें जो है ऑटोमेट हो गई, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी घट गई, है ना। लेकिन सिस्टम अभी भी है, बिना बगैर सिस्टम के कोई भी चीज चलता नहीं है। नाउ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड अदर ईएमएस कंपोनेंट्स वर रिप्लेस्ड बाय द सिंगल करेंसी एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। बाद में जाकर के एक्सचेंज रेट सिस्टम को ईसीबी के द्वारा रिप्लेस कर, याद रखो रिप्लेस कर दिया गया, ऐसा नहीं कि वो सिस्टम हट गया, उसी सिस्टम के बेसिस पे ईसीबी भी काम करता है ना। नाम बदल गया है लेकिन काम वही है, एज अ सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर द यूरो जोन कंट्रीज। वहां पे इकोनॉमी क्या चलते चलेगा, करेंसी क्या चलेगा, यूरो, और उसको पूरा मैनेज कौन करेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। पहले क्या चल रहा था, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, बाद में जाकर के वो बन गया ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जैसे इंडिया में जब बैंक नहीं हुआ करते थे, मतलब बैंक तो थे बट वहां पे जब एसबीआई नहीं था, आपको शायद पता नहीं होगा, आई डोंट नो, शायद पता होगा भी कि आरबीआई से पुराना एसबीआई है, पहले के जमाने में वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में जाकर के फिर वो एसबीआई बनता है। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, नाम बदल गया है लेकिन सिस्टम जो है वो वही है जो उस टाइम पे चला करता था। बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आए हैं, चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, सॉफ्टवेयर पे आ गया है, लेकिन जो कोर वैल्यूज है, जो बेस है, वो भाई उसी टाइम का है। तो आप समझ सकते हो कि बेस वही है, इसलिए मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को हिंदी में लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा टफ कोई लैंग्वेज नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया है, वैसे अगर आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में और अच्छे तरीके से लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर विच इज 8101065300। एंड टू join this group you can directly go to our description, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एमकॉम वाला, वहां आपने ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर में, सारे के सारे नहीं, पर पेपर में, पर पेपर के हिसाब से आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये ऑफर सिर्फ इजी एग्जाम तक के लिए वैलिड है, 200 रुपीज पर पेपर है। जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको 200 रुपीज पर पेपर ही शो करेगा, बट जस्ट बिकॉज की एग्जाम चल रहा है और समय काफी कम बचा है, और ये ग्रुप में हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसलिए हम लोगों ने प्राइसेस को यहाँ पे रिड्यूस करके रखा हुआ है। सून जो है एग्जाम के बाद जो है प्राइसेस वापस इंक्रीज हो जाएंगे, 200 रुपीज पर पेपर जो है मिनिमम हो जाएगा और वो फिक्स्ड ही रहने वाला है। तो जिसको नोट्स चाहिए वो फटाफट अभी बाय कर लें, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।